ए इज़ द बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ए को हम उसकी बेस कहते हैं। दो तरह की बेस होती हैं। अगर आपके पास ए की वैल्यू 10 है, देन हम कहेंगे वाई इज़ इक्वल टू लॉग 10x, देन ये जो लॉग होगा इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और अगर आपकी जो बेस है ई है, जिसकी वैल्यू है 2.718, तो हमारे पास जो लॉग होगा, लॉग ई एक्स, ये जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल एन एक्स, ये आपका नेचुरल लॉग कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हाइपरबॉलिक फंक्शंस की। हाइपरबॉलिक फंक्शन, इसके ये तमाम के तमाम फार्मूलाज हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इसलिए तमाम फार्मूलाज को अच्छे से देख लें। फर्स्ट वन इज़ साइन हाइपरबॉलिक फंक्शंस, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। इसका फॉर्मूला है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, ये साइन हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला है। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, कॉस हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला है, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, साइन ओवर कॉस करके। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। फोर्थ वन इज़ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स। कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो टेंजेंट को उल्टा दें, प्लस ऊपर ले आएँ और माइनस वाला फैक्टर नीचे ले आएँ, तो वो आपके पास कोटेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। फिफ्थ वे है सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स, सीकेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस को उल्टा दें, टू ऊपर चला जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ये नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला है सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स का। लास्ट वन कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। सो कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन को उल्टा दें, टू ऊपर चला जाएगा और ई पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स ये आपका नीचे आ जाएगा। ये छह फॉर्मूलाज हैं, सिक्स के सिक्स फॉर्मूलाज आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इसी तरीके से इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं। जितने भी आपके हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन कोस टेंजेंट हैं, इन सब के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे गए हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये बीएससी लेवल तक का है, एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं क्योंकि कोई भी आपके एमसीक्यूज में फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको देख लें। नंबर 10 इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। इन तमाम फंक्शंस की डोमेन और रेंज हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, इनकी डोमेन और रेंज देख लें, ठीक है। यानी जो इनपुट हैं और जो आउटपुट का सेट है, वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, कोज इन्वर्स एक्स, टेंजेंट इन्वर्स एक्स, सीकेंट इन्वर्स, कोसीकेंट इन्वर्स एंड कोटेंजेंट इन्वर्स, इनकी डोमेन और रेंज भी मेंशन है। फर्स्ट ईयर में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इनको देख लें। नंबर 12 इज़ द एक्सप्लिसिट फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इफ़ y इज़ ईजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। यानी समटाइम आपका एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें y एक साइड पे होता है और x एक साइड पे लिखा होता है, ठीक है। तो y को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ x में, तो ऐसे फंक्शन का नाम जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन, हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं। जैसे कि ये देखें, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो y सेपरेट है, x वाला फैक्टर सेपरेट है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इसको मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ओफ एक्स। मैथमेटिकल वे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है एक्सप्लिसिट फंक्शन का। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर x और y मिक्स हों और y को x से अलग ना किया जा सके, देन हम कहेंगे y इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। देन हम इस केस में कहेंगे कि y आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है x का। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा जाता है f ऑफ x y इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि x और y यहाँ पे क्या होंगे, मिक्स होंगे, ठीक हो गया। तो अगर x और y मिक्स हैं, मिक्स फॉर्म में हैं, तो ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगर x और y अलग-अलग हैं, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है।
जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एक्स वाई अगर आप देखें तो ये फंक्शंस आपके एक्स और वाई वेरिएबल दोनों मिक्स हैं, इसलिए इनको हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं सब में ये चीज़ थी कि एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, एक इनपुट का सेट था और एक आउटपुट का सेट था। अब पैरामीट्रिक फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है, यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई हैं, लेकिन दोनों के दोनों वेरिएबल किसी एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, लेकिन ये दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल टी या थीटा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, जिसमें तीन वेरिएबल आ जाएं, एक्स वाई टी या एक्स वाई थीटा। जो टी और थीटा है इसको हम उसका पैरामीटर कहते हैं। फॉर अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ बोथ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर वेरिएबल से टी और थीटा, विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, टी और थीटा को हम उसका पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू टू ए टी। आप अगर इक्वेशंस को देखें तो इन इक्वेशन में हमें तीन वेरिएबल नज़र आ रही हैं, एक्स वाई एंड टी, ठीक हो गया। दोनों में जो कॉमन है टी, यानी एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका टी जो है वो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक हो गया। और इन इक्वेशंस को क्या कहेंगे, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। और ये दोनों इक्वेशंस ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं पैरामीट्रिक पैराबोला को। तो ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है इन इक्वेशंस को देते हुए कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर टू, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। एक्स वाई टी तीन वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों में टी आ रहा है, तो टी आपका क्या है, पैरामीटर है, ठीक हो गया। तो और ये दो दो इक्वेशन हैं एक्स और वाई वाली, ये दोनों इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। बिकॉज जब आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर के इक्वल आता है। और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो ये जो दो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी हैं, सर्कल की हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। थर्ड वन, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। इसमें भी आपके पास थीटा पैरामीटर है, और ये इक्वेशन दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बिकॉज जब आप x ओवर a करेंगे, y ओवर b करेंगे, स्केयरिंग करके ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, और ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो ये तीन डिफरेंट तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन डिस्कस किए गए हैं। ये डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं।